ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इस साइड है गर्मी और इस साइड है ठंडी। और ये गाय माता भी आई हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर घूमने के लिए। सांची में जो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी वो ये है कि टॉप द गर्ल्स भी हॉर्स राइडिंग कर रही हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 200 रुपए के नोटों पर इसी गेट की फोटोग्राफ निकाली गई है। दोस्तों आज एक बहुत स्पेशल डे है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज आप हमारे साथ चलेंगे महाकालेश्वर के दर्शन के लिए, पर उससे पहले हम लोग जाने वाले हैं एक दो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बनाएंगे जी। भोपाल से सांची जाते वक्त बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पॉट आता है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इस साइड है गर्मी और इस साइड है ठंडी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उन तीन इमेजिनरी लाइंस में से एक है जो हमारे ग्लोब को हॉरिजॉन्टली बांटती हैं, यानी कि सीधा सीधी। पहली लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा जिस पे हम खड़े हैं, दूसरा है इक्वेटर जो हम लोग के ग्लोब को आधे से बांटती है, और तीसरी लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि कौन सी रेखा तृप्ति मकर रेखा। मकर रेखा और इंडिया से मात्र और मात्र ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही गुजरती है और कोई भी लाइन नहीं गुजरती है। इधर गर्मी इधर सर्दी। और ये गाय माता भी आई हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर घूमने के लिए। इधर जा रही हैं रसिया जा रही हैं कि आप जा रही हैं मालदीव्स? आप ये गर्मी की तरफ जा रही है, सर्दी की तरफ नहीं। और ये देखिए रोड पे भी पूरा यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जुड़ा हुआ है, तो जाते वक्त ये तो है ही जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, पर ये देखिए रोड पे भी पूरी लाइन बनी हुई है, ये भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले पड़ाव सांची की ओर। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं सांची शहर। सांची शहर भोपाल से लगभग 45 से 50 किलोमीटर दूर है और रायसेन ज़िले में आता है, और यहीं पे अभी हम लोग आ गए टिकट लेने के लिए। तो आइए टिकट लेते हैं। ये टिकट काउंटर है सांची स्तूपा के लिए। एक टिकट का प्राइस है 40 रुपये पर पर्सन, और यहाँ पर आके आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं आने से पहले भी या यहाँ पर, बट हम लोगों ने कैश ले लिया क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी। थोड़ा सा लगा था प्यास तो ले लिया पानी। पहाड़ी पे ऊपर चढ़ गए हैं। यहाँ पे हम लोग को मेनली पहली साइड दिख गई है स्तूपा की। अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो एकदम आपको स्तूपा के सामने ला के छोड़ेंगे, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। ये है पूरा मैप इस जगह का, और इसको मेंटेन करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सामने है स्तूपा। सांची में जो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी वो ये है कि यहाँ पे चीज़ें हिंदी इंग्लिश और एक तीसरी भाषा में भी लिखी होती हैं जो कि है ब्राह्मी। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो साउथ ईस्ट एशिया यानी कि आज का थाईलैंड वियतनाम कंबोडिया की जितनी भाषाएं हैं वो ब्राह्मी से ही निकल के आई हैं, और ब्राह्मी इन इटसेल्फ संस्कृत से निकल के आया है। तो सोचिए आप संस्कृत का कितना महत्व है और साथ ही साथ ब्राह्मी हम लोग कितनी भाषाओं की उत्पत्ति भी हुई। ये देखिए हिंदी इंग्लिश और ये है ब्राह्मी, इसी से आपकी सारी साउथ ईस्ट एशिया की जो भी भाषाएं हैं इसी भाषा से निकल के आई हैं। ये मेन स्तूपा है जो पीछे है यहाँ पर, और एक प्लान है हमारा कि 200 के नोट के साथ, क्योंकि उसके पीछे भी सांची स्तूपा ही बना रहता है, तो हम लोग एक फ़ोटोज़ खींचेंगे थोड़ी सी। सांची स्तूपा जो है इसकी हिस्ट्री की कुछ बात कर लेते हैं। तो इसको 3rd century BC यानी कि आज से लगभग 2000 साल पहले सम्राट अशोक ने बनवाया था जब वो बुद्धिज़्म का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने सांची शहर को सुना और बहुत सारे यहाँ पे पीस था, काम था, एक पहाड़ के ऊपर स्तूपा को मेन बनवाया, पर यहाँ पे और भी बहुत सारे स्तूपाएँ हैं। अशोका की शादी भी यही हुई थी सांची में, उनकी वाइफ का नाम था देवी, और जब ये स्तूपा का कंस्ट्रक्शन हो रहा था उस टाइम पे देवी भी थी। तो सांची का एक बहुत महत्व रहा है, उनका जन्म भी सांची में ही हुआ है देवी का, इसीलिए इसका नाम सांची स्तूपा पड़ा। तो हम लोग यहाँ घूम रहे थे बट खुद से इतना फिगर आउट नहीं हो पाता है, ऑनलाइन आप उतनी ही चीज़ें समझ सकते हैं पढ़ पढ़ के, तो हम लोगों ने भैया की हेल्प मांगी है। भैया गाइड हैं यहाँ पे जो हम लोग को हेल्प कर देंगे, पूरा घुमा देंगे, तो होपफुली आपके लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा जो ये बताते हैं। साथ चलते हैं घूमने यहाँ। स्तूप मीन्स समाधि, स्तूप मीन्स शांति का प्रतीक। टॉप द गर्ल्स भी हॉर्स राइडिंग कर रही हैं। इस पर गर्ल्स बच्चे जन्म होता है तो बच्चे के जन्म से हाथों रेखाएं होती है ना सर, हमारे हाथों रेखाएं बनी हुई है। तो बुद्ध पैरों को जन्म इसी चक्र बने हुए थे पैरों पर, तो जिनके पैरों में जो चक्र जोते हैं उनका पैरों के निशान, जिनके पैरों जो चक्र जोते हैं वो हमेशा
ट्रैवलिंग करते रहते हैं। अच्छा, गौतम बुद्ध जी के अलग अलग पेड़ों के नीचे अलग नदियों के किनारे बैठ कर ध्यान क्या करते बुद्ध फाइनली इनलाइटमेंट हुआ था बौद्ध गए पीपल के पेड़ों के नीचे रिप्रेजेंट करे कि बुद्ध बैठे हुए मॉन्स्ट्री बनवाए पिलर बनवाए जो सांची मॉन्यूमेंट से थर्ड सेंचुरी बीसी से लेकर 12th सेंचुरी एडी तक पूरी तरह से एक्टिव थे। मैथी चीनी की दाल भिंडी बतासे उड़द चूना पत्थर गोंद ईटो ग्राह हनी सुर्खी लोग ऐसे नेचुरल लोग प्लास्टर बनाया करते थे उससे स्टोन की जुड़ाई करते थे ना पत्थर जुड़ाई की गई तो ब्रिटिश ने बाद में होल भी किए थे। होल इसलिए किए थे जब बारिश हुई की तो बारिश का पानी थोड़ा पानी सीपेज होगा पानी बाहर निकल आएगा जिससे स्तूप सुरक्षित प्रोटेक्ट रहे। देखना तो गुप्त काल को बोलते गोल्डन एरा। यदि हम यहाँ पे देखते थे तो राइट एंड लेफ्ट साइड लोग स्टोन का सा होल करते थे। स्टोन का सा होल करने वाले स्टोन को फिट क्या करते मीन स्कैनर इंटरलॉकिंग सिस्टम देखते थे। गौतम बुद्ध जो मदर महामाया देवी 180 स्लीपिंग दी रहे एक एलिफेंट। गौतम बुद्ध की मदर महामाया देवी ने सपनों में एक व्हाइट कलर का एक एलिफेंट देखा था। एलिफेंट एरावत एलिफेंट माता के प्लान से आता तीन बार परिक्रमा लगाते। मदर तो पहले से प्रेग्नेंट थी जब अर्ली मॉर्निंग में जब उठती है तो पूरे सपनों के बारे में और रानी या दासियां बताती जी की रानी या दासियां सपनों के बारे में बातें कर रही थी खाना फुसली कर गॉसिपिंग कर रही थी गर्ल्स गॉसिपिंग कर रही थी यहाँ पे। पर बहुत साल पहले किसी लोकल जो जमींदार ने इस सरसों के स्तंभ तोड़ा ले जाना चाहते गन्ने की जूस की मशीन बनाने के लिए। तो गन्ने की जूस की जो मशीन होती गोल होती है तो हमारे इंडियन में एक टेक्नोलॉजी होती थी कोल्हू के बैलों के द्वारा जूस निकाला करते थे। उन्होंने कंटेनर से तोड़ा उन्होंने सोचा कि गन्ने की जूस की मशीन बनाएंगे तो इसे तोड़ दीजिए पर इसे ले जाने पर जो कि आज जो करते हो इसी स्थान पर रखे हुए लोग तांत्रिक क्रिया के द्वारा लोग आग जलाने वाले तांत्रिक क्रिया के द्वारा भी लोग पूजा पाठ किया करते थे। घर पर रखने से सुख शांति समृद्धि बढ़ती बिल्कुल बढ़ती है। पर मेजर ये इम्पोर्टेंट क्या है घर में ही प्रधान है। हम जैसे अपने जीवन कर्म में करेंगे ना वैसा फल मिलेगा। तो इन्हें वजन को उठाने वाले एक तरह से बोला जाता है वेट लिफ्टर। देख रहे हैं एवरीवन इज द वर्किंग लाइफ में काम तो इनको भी करना है। ही इज आल्सो वर्किंग ही इज वेरी सैड देख रहे हैं जैसे काम करने काफी पीड़ा काफी तकलीफ हो रही है। ये बोले कह रहे हैं मुझे भी कहां का काम दे दिया गया। देख रहे हैं नहीं कम देख रहे हैं इनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए। ही इज वेरी एंग्री मैन। अरे लाइफ में काम तेजी कर रहे हैं। ही इज वेरी मायूस एंड न्यूट्रल। देख रहे हैं कॉन्सेप्ट जो बताया ह्यूमन नेचर्स। तो जब भी हम कोई भी काम करें स्माइली फेस की तरह काम करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 200 रुपए के नोटों पर इसी गेट की फोटोग्राफ निकाली गई है। मतलब सांची स्तूप हो चुकी 200-300 साल प्राचीन तो 200 रुपए के नोटों पर इस वाली गेट की फोटोग्राफ निकाली गई है। तो समरी में भैया भी बताएंगे अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो क्या है क्या देख सकते हैं क्या चीज़ें जिसको आपके बारे में जानना चाहिए। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो भैया का नाम हुआ दीपक कसार। दीपक कसार जी से जरूर आप मिलें आपको बहुत अच्छे से घुमाएंगे। दीपक जी बताइए इधर। हेलो फ्रेंड्स हेलो एवरीवन। हम बात करते हैं सांची मॉन्यूमेंट्स। सांची मॉन्यूमेंट्स एक पर्यटन केंद्र है जिसे पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आते हैं श्रीलंका जापान कंबोडिया थाईलैंड नेपाल भूटान से। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे तथागत बुद्ध की भगवान बुद्ध की भी अस्थियाँ रखी हुई है जो कि बौद्ध धर्म की मानने लगी काफ़ी काफ़ी पवित्र केंद्र है। जैसे पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आते हैं तो बौद्ध धर्म में जो मंत्र होते हैं बुद्धम शरणम गच्छामी धम्मम शरणम गच्छामी संगम शरणम गच्छामी यहाँ पे लोग परिक्रमा लगाते हैं। और जो एक पर्यटन के दृष्टिकोण से सांची की इन विंध्याचल पहाड़ियों के बीच में एक बसा हुआ एक केंद्र है जैसे कि पीछे से देख रहे हैं विंध्याचल पहाड़ियाँ और बहुत ही काफ़ी मनोरम दृश्य है। पूरे देश दुनिया से यहाँ पे लोग आते हैं तो दोस्तों आपको जरूर सांची विजिट करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक्स थैंक यू दीपक जी जरूर आएँ और दीपक जी से मिले आप। हम लोग अभी ऊपर चढ़ चुके हैं स्तूपा के। तो ये स्तूपा है देखिए यहाँ 3 परिक्रमा करनी होती है। हम अपनी 3री परिक्रमा जो कि आखिरी है वो कम्प्लीट कर रहे हैं। दोस्तों आज एक बहुत स्पेशल डे है। आज है बुद्ध पूर्णिमा और आज है चंद्र ग्रहण भी। और आज के इतने ऑस्पिशियस डे पे हम यहाँ आए ट्रस्टर्स बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था। अब जब हम यहाँ से जा रहे हैं तब हमें याद आया रियलाइज हुआ और लग रहा है कि अब सच में कोइंसिडेंस था तभी इतनी भीड़ भी है आज यहाँ पे। देखिए काफ़ी भीड़ है और हम लोग भी काफ़ी खुश हैं कि इस डे पे यहाँ पर आ पाए। और दोस्तों देखिए यहाँ से निकलने के बाद एक मंदिर भी है ये देखिए बुद्ध जी की।
अंदर शूटिंग नहीं करेंगे, बट ये देखिए इसमें महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका ने बनाया है। श्रीलंका में बुद्धिज्म जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा की मूर्ति भी लगी हुई है जो हम आपको कह रहे थे। देखिए 2567 बुद्ध पूर्णिमा है यहाँ पे आज 5 मई के दिन। और सुवनियर में मैं हमेशा एक फ्रिज मैग्नेट लेता हूँ, तो यहाँ से 50 की एक मिल गई है। तृप्ति को कुछ मूर्तियाँ उर्तियाँ भी लेनी है, तो भैया से यहीं पे हैं, ले रहे हैं एकदम पीपल पेड़ के नीचे बैठे हुए। सो गाइस देखिए प्यारी सी मूर्ति बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। अभी एक बहुत ही फेमस जगह हमारे ड्राइवर भैया ने हमको बताई जो है चाय के लिए, तो हम लोगों ने यहाँ के ले लिया चाय और एक समोसा साथ ही साथ। उज्जैन से अभी 1.25 घंटा दूर हम लोग, काफ़ी भूख लग गई थी, सुबह बस ब्रेकफास्ट करके निकले थे, तो अब जा रहे हैं कहीं लंच करने। ये देखिए यहाँ पर आए, ये देखिए कितना बालों वाला कुत्ता है, मस्त हो रहा है। ये कंपाउंड टाइप का है जहाँ पे हम लोग खाने आए हैं, या एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लोग एक खोपचे में बैठ गए। देखिए बढ़िया, तीन तरफ से कवर्ड है बढ़िया। खाने में ऑर्डर किया है पनीर बटर मसाला, रोटी और बढ़िया छाछ ताकि पेट को आराम मिल पाए। हम लोग जा रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए, तो नॉनवेज खाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। खाना आ चुका है, रोटी मिस्सी रोटी और ये पनीर की सब्जी।